को समंदरी तूफान बाइपर ज्वाय या विपौर ज्वाय अगर बंगाली की एक्सेंट में कहा जाए तो उसकी अपडेट के साथ एक बार फिर जो है हम मौजूद हैं और अब मौजूद हैं जो मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में, कराची के मेट कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पर उसके अंदर ही मौजूद हूँ मैं। और मेरे साथ आज मौजूद हैं मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर। उनसे जो है सबसे पहले तो जो बाइपर ज्वाय है इसकी सूरत हाल जानते हैं, वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, कितनी मूवमेंट कर रहा है, ये तमाम सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? कहाँ पर है विपौर ज्वाय? अच्छा, पहले ये बाइपर ज्वाय इंग्लिश में अगर हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो बाइपर ज्वाय मतलब करते हैं जी? देखें, बेसिकली ये बंगाली जबान का लफ्ज है, बांग्लादेश ने इसको तजवीज़ किया था। तो अगर हम बंगाली एक्सेंट में इसको बोले तो ये विपौर ज्वाय है, क्योंकि ये उनके एक्सेंट में है। तो अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो लिखा बी आई पी ए आर जाता है, और जब इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है तो वो बी आई पी ओ आर होती है। ठीक है, तो ये विपौर ज्वाय है। अच्छा, क्या है अभी इसकी किस रफ्तार से ये मतलब मूव कर रहे हैं जी? देखें, तकरीबन पास 12 आवर्स में इसने आज सुबह तक तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल अबड शुमाल मगरब की तरफ सम्प में हरकत की, और कराची से 470 किलोमीटर की दूरी पे था। अभी लेटेस्ट एनालिसिस के मुताबिक इसने मज़ीद 10 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, तो करंटली ये 460 किलोमीटर साउथ ऑफ कराची है। और ये कल सुबह तक स्ट्रेट अपने नदरली ट्रैक को जो है फॉलो करेगा, और इस बात की हम तवक्को कर रहे हैं कि कल ये सुबह के बाद रिकर्व करेगा शुमाल मशरिक की तरफ। और इस बात के इम्कानात हैं, इस बात की तवक्को की जा रही है कि ये 15 तारीख को दोपहर या शाम में केटी बंदर के मशरिक और इंडियन गुजरात के इलाके कच्छ के एरिया में किसी मकाम पर लैंडफॉल करेगा। अच्छा, इसकी कैटेगरी नीचे आई है जिस तरह से अभी 15वां अलर्ट जारी हुआ है, जो इसे क्या है? जी देखें, कल रात तक या सुबह तक ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, जिसमें इसके मरकज़ में मैक्सिमम हवाएं 200 किलोमीटर या उससे थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसने थोड़ी सी हवाओं की इसमें शिद्दत कम हुई है, और इस वक्त तकरीबन 140 से 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इसके मरकज़ में हवाएँ मौजूद हैं। तो थोड़ा सा ये डाउनग्रेड हुआ है, लेकिन जो मौजूदा शिद्दत है इसी शिद्दत के साथ इसने लैंडफॉल करना है। अच्छा, टकराते वक्त तो कम नहीं होगी एक दर्जा या? देखें, जब ये टकराता है उस वक्त तो सिचुएशन अब तक के एनालिसिस के मुताबिक यही है। जब ये टकरा जाएगा, क्रॉस कर जाएगा लैंडफॉल को, तो जाहिर सी बात है उसका जो ईंधन है, जो उसको समंदर से ईंधन मिल रहा है, वो कट ऑफ हो जाएगा, लैंड सरफेस पे आ जाएगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये साइक्लोनिक स्टॉर्म और उसके बाद डिप्रेशन की सूरत में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसके असरात कराची में और जो जितनी भी साहली पट्टी है पाकिस्तान की तो उसमें नजर आना शुरू हो गए। कराची में तेज हवाएं जी, डस्ट और बादल भी हमने देखे, तो किस तरह से रहेगा मौसम ये पूरी साहिल पट्टी का और कराची का? देखें, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव एरिया है वो हमारी सिंध की साहिली पट्टी है, कराची के मशरक़ में जहाँ पे इसका हिटिंग पॉइंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया 140 से 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं इसके मरकज़ में मौजूद हैं, और इसी हम तवक्को हम कर रहे हैं कि इसी इंटेंसिटी के साथ ये लैंडफॉल करेगा। तो इसके साथ जो हमारे पास लहरें हैं समंदर में शदीद तुगयानी के साथ, उनकी बुलंदी 35 से 40 फुट है। तो जब ये लैंडफॉल जिस एरिया में करेगा वहाँ तो इतनी बुलंदी मौजूद होगी लहरों में। तो जैसे जैसे आप उससे मगरब की तरफ कराची की तरफ सफ़र करेंगे तो जो हमारे एरिए हैं क्या कहते हैं लैंडफॉल या क्या कह लें आप इसको जाती केटी बंदर सजावल और ठट्ठा के इलाके हैं, तो इनमें हम जैसे जैसे आप तूफान के मरकज से दूर होंगे तो हम इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर की लहरें बुलंद हो सकती हैं। ये कराची तक यही रहेगी? कराची तक ऐसी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची में भी तुगयानी देखी जा रही है, और इस बात की तवक्को है कराची के जो नशेबी इलाके समंदर से मुलहिका हैं वहाँ पर समुंदरी पानी का स्टॉर्म सर्ज हो सकता है, कुछ नशीबी इलाकों में पानी अंदर दाखिल हो सकता है। यही तुगयानी हमने जो है ऑब्जर्वेशन हुई है बलूचिस्तान की कोस्ट पे भी। तो कराची से मुलेका जो बलूचिस्तान के इलाके हैं हब सुमियानी कुंड मलीर और माड़ा तक, यहाँ पर भी समंदर में तुगयानी हो सकती है। अच्छा, ये बारिश का इम्कान एक तो कराची है जिस तरह बिल्कुल साहिल पे वाकई हैं सजावल वगैरह, इनमें तो अलग है, और इसके अलावा अभी जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं थोड़े से दूर हैं जिस तरह से मीरपुर खास है, सांगड़ भी शायद इसमें आया, कौन कौन से हैं? देखें, समंदर जब ये लैंडफॉल करेगा और डिप्रेशन बनेगा तो जो जिसका फैलाव है वो मजीद शुमाल की तरफ होगा,
तो इस बात की तवक्को है कि आने वाले दिनों के दौरान 17 तारीख तक जो है कराची, हैदराबाद, छट्ठा, सुजावल, थरपारकर, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगढ़, उमरकोट, मीरपुर खास और साथ साथ जो है एक वेस्टर्नली मगरबी हवाओं का सिलसिला भी जो है अपर कंट्री में मुतासर करना शुरू करेगा इसी सिनेरियो के साथ साथ। तो उसके तहत जो हमारे नॉर्दर्न सिंध है जिसमें लाड़काना, जैकबाबाद, शहदादकोट, कंबर, इससे मुलहिका इलाकों में लाड़काना, दादू, यहाँ पर भी हम बारिश की तवक्को कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं माहिर मौसमियात अंजुम नज़ीर मेरे साथ मौजूद थे और पूरी सूरत हाल से उन्होंने आगाह किया आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। मज़ीद जो है इस समंदरी तूफ़ान के हवाले से फिर भी हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।